क्या सेम आएगा? क्या सेम आएगा? बल्ब 50,500 इट्स मीन कि व्हेनेवर वी ऐड एनी नंबर्स इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स वी गेट द सेम रिजल्ट. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन कि अगर ऑर्डर को चेंज किया जाए तो रिजल्ट चेंज नहीं होता है, सेम रिजल्ट हम लोग को मिलता है. चलो वर्कशीट, चलो एक और यहाँ पे हम लोग देखते हैं. कोई नंबर 10 लिखा हुआ है और उसमें रिजल्ट जल्दी से बताओ रिजल्ट क्या होगा. टाइप करो 10 में अगर 0 को ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, जल्दी टाइप करो सारे लोग. वेरी गुड आरव चौधरी, गुड आरोही, सौर्य कुमार, गुड. 10 में जब हम 0 ऐड करते हैं रिजल्ट 10 मिलता है. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन वी ऐड 0 इन अ नंबर वी गेट द सेम रिजल्ट. क्लियर है? तो अब हम इन सारे चीजों को यूज करके वर्कशीट टू को देखने वाले हैं. वर्कशीट टू में कैसे इंप्रूव होगा. चलो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, वर्कशीट 2 पर आओ. पेन टू द वर्कशीट 2 एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 का ए. टाइप इट, टाइप द आंसर सेवन फर्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 1. चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए में बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग टाइप करोगे आंसर. द क्वेश्चन इज तो क्या हो जाएगा बच्चों? अभी तुरंत मैंने बताया कि एडेंट्स के ऑर्डर को चेंज करने से सम में कोई चेंज नहीं है. तो यहाँ पर देखो 2135 को फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है तो एब्सोल्युटली और इक्वल टू लगा हुआ है, ये सम है और इधर भी सम है, दोनों बराबर है. इसका इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है 65,361 ये आंसर हो जाएगा. क्लियर है? हाँ सॉरी, बिल्कुल सही. चलो क्वेश्चन नंबर मुझे 1 का बी जल्दी से बताओ क्या होगा बी में. टाइप इट फर्स्ट जल्दी. दक्ष आरोही. चलो 15,911 हो जाएगा. चलो ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना. चलो कम टू क्वेश्चन डी. हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव बीन गिवन थ्री नंबर्स, दैट इज फर्स्ट वन इज 21,511, सेकंड वन इज 222, थर्ड वन इज 11,333 एंड नाउ ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव बीन गिवन टू नंबर्स एंड थर्ड वन इज मिसिंग. तो क्या हो जाएगा थर्ड वन? मैसेज करो क्या हो जाएगा आंसर. सॉरी 11,333 गॉड. और जल्दी जल्दी टाइप करो क्या हो जाएगा आंसर. जयवर्धन, गॉड, आरव, प्रियांशु, दिव्या. ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर, चलो अब क्वेश्चन नंबर जी पर आते हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर जी 75,312, उसमें 0 ऐड किया गया है तो आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ. मैंने बताया कुछ देर पहले
If 0 is added to a number, what the result will be? जल्दी से बताओ, टाइप करो जी आंसर क्या होगा. 75 इफ 0 इज एडेड टू 312 देन व्हाट विल द रिजल्ट. वेरी गुड, द रिजल्ट विल बी अनचेंज, चेंज नहीं होगा. वेरी गुड दीपांशु. चलो इस तरह से वर्कशीट टू कंप्लीट हो जाएगा, वर्कशीट टू कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, वर्कशीट थ्री ओरली करना है, लेकिन तुम लोग नोटबुक में इसको लिख के सॉल्व कर लोगे. ठीक है, वर्कशीट थ्री. नाउ वी आर कमिंग टू वर्कशीट फोर. नाउ वी आर कमिंग टू वर्कशीट फोर. चलो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर वन का ए. चलो क्वेश्चन ये लिख रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 29,456 कैंडिडेट्स पास्ड व्हाइल 57,281 कैंडिडेट्स फेल्ड. हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. देखो कोई भी एग्जाम होता है तो कुछ लोग पास करते हैं, कुछ लोग फेल करते हैं. अब एक एग्जाम हुआ है वहां पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका जो नंबर है वो 5 डिजिट्स का नंबर है. कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का नंबर है. और जो फेल किए हैं वो भी अगेन 5 डिजिट का नंबर है. अब टोटल बच्चे कितने अपीयर हुए हैं एग्जाम में वो कैसे पता चलेगा? पास वाले जितने बच्चे हैं और जितने बच्चे फेल किए हैं दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट पता चलेगा. चलो इसको सॉल्व करते हैं. टोटल नंबर ऑफ पास कैंडिडेट क्या है? 29,456. क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू 57,281. चलो इसको ऐड करते हैं, ऐड करते हैं इसको. क्या हो जाएगा? 6 + 1 = 7, 5 + 3 = 13, और एक ऐड किए तो 13 मिला. तो 13 गलती तो हम टेंस के प्लेस पे लिख देंगे, टेंस वाले प्लेस पे लिख देंगे, लेकिन उसका जो एक वन है जो कैरी ओवर है उसको 100 में हम लोग लेते हैं. क्या पे वन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 + 6 भाई कितना था? 6% साइड देखो 9% मार्क कैरी कवर 2 + 5 = 7 and 7 और कैरी कवर 8. क्लियर है? सो so total number of candidates appear is 86,737. Is it clear? ये clear है सबको? Type करो. Clear है क्या? Clear है क्या? Type करो जल्दी से. Recording चल बोल रहा था ना बीच में तो ये. बोलो बच्चों टाइप करो जल्दी. क्लियर है? चलो
चलो क्वेश्चन नंबर बी पर आओ। चलो बच्चों सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर वन का भी सॉल्व करो, वन का भी। वन का भी सॉल्व करो। सॉल्व किए बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर वन का भी, एक स्कूल लाइब्रेरी है, वहां पर देयर अ फिक्स नंबर ऑफ साइंस बुक्स एंड द नंबर ऑफ साइंस बुक्स आर 11,215। इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मैथ्स बुक इज 21,312 एंड हिंदी बुक्स आर 20,143। So what will the total number? Simply we have to add the three numbers of three types of books, the number of books. Clear hai, ho jayega B ho gaya. C mein dekho 1752 students hai, wo primary classes mein 1 to 5 mein hai. Middle school mein 6 to 8 mein bacche hain, 1825 बच्चे, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल क्या होगा? देखो बच्चों कोई भी अगर स्कूल होता है, यहाँ पर देखो तो मात्र यहाँ पर स्कूल है, तो यहाँ पर बच्चे क्या सारे सेक्शंस होते हैं, प्राइमरी सेक्शंस के, मिडिल सेक्शंस के और सीनियर सेक्शंस के, और तीनों तरह के जो बच्चे होते हैं आपस में टोटल स्ट्रेंथ स्कूल को बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें हम ऐड करेंगे तो बेसिकली हमें मिल जाएगा कि क्या स्कूल का टोटल स्ट्रेंथ है। अब चलो डी में आते हैं हम लोग। एक टेबल है, उसका कॉस्ट है 3,692 rupees, वेयर एज अलमीरा है उसका कॉस्ट क्या 12,810, मोर देन द कॉस्ट ऑफ द टेबल। तो पहले तो हम चलो डी देखो, डी बनाएंगे। टेबल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 3,600, ठीक है। और अलमीरा का जो कॉस्ट है टेबल से 12,810 ज्यादा है। ज्यादा है का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ अलमीरा के बारे में बच्चों को बिल्कुल सही इसमें क्या करेंगे 12,810 में हम लोग ऐड कर लेंगे 3,690 को, तो हमारा कॉस्ट मिल जाएगा अलमीरा का। तो कॉस्ट ऑफ अलमीरा इज 10,000 का कॉस्ट है उसमें ज्यादा है, और इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें क्या ऐड करेंगे बच्चों? तो जो ज्यादा इसमें लग रहा है 12,810, क्लियर है 12,810। चलो अब इधर हम कर लेते हैं ऐड करते हैं। जीरो 1 + 9 = 10, 0 कैरी का कॉमन नाम 8 + 6 = 14, 14 + 1 = 15 का कैरी का नाम। तो नाउ इन दिस वे वी हैव फाउंड द कॉस्ट ऑफ द अलमीरा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ अलमीरा इज 16,500। अब चलो आगे देखो, बट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड
to find the total cost of both the table and the computer. But cost of दोनों का साथ में उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं, टेबल का और अलमीरा का मिला के कितना आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एड कर लेंगे हम 16,500 और 3,600, उसको ऐड करोगे, ऐड करो क्या करेंगे, 9 5 6 9 3 6 9 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
cost of table and अलमीरा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये डी समझ में आया? टाइप करो जल्दी से। समझ में आया या मैं दोबारा बताऊं? समझ में आया सारे बच्चों को? समझ में आया सबको? जयवर्धन तुम्हें समझ में आ गया? गुड। और किसको समझ में आया? सारे श्रद्धा, शिवांगी, चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर वन के ई पे आते हैं। हम अब ई पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखो, ध्यान से समझो। इन क्वेश्चन नंबर ई इट इज सेइंग कि देयर इज वन पर्सन हिज नेम इज रमन एंड रमन परचेज्ड अ हाउस फॉर रुपीज 6,65,700 and spent 2,975 on its repairs. So find the amount he spent in all. अच्छा बच्चों, कभी भी तुम कोई बाइक खरीदो सेकंड हैंड, या कार खरीदो, या घर खरीदो, ठीक है? घर में आप देखते होंगे कभी कभी दीवार जो है फट जाता है, उसके हम लोग मरम्मत कराते हैं 5 years पे, 10 years पे। तो उसी तरह से एक घर कोई परचेस किया है रमन नाम का व्यक्ति, और उसका घर जो है उसका कंडीशन अच्छा नहीं था, तो उस पे रिपेयर पे उसने खर्च किया 2,975 rupees। क्लियर है? तो उसके रिपेयर पे टोटल टोटल अमाउंट कितना खर्च किया उस हाउस पर? तो हाउस को परचेस करने में पहले तो उसने दिया कितना? वेरी गुड, 6,65,700 उसने पहले खर्च किया, और उसके रिपेयर पर उसने कितना खर्च किया बच्चों? बताओ, टाइप करो। उसके रिपेयर पर कितना खर्च किया? जल्दी से टाइप करके बताओ। हाउस के रिपेयर पर कितना खर्च किया? हाउस के रिपेयर पर कितना खर्च किया? ठीक है। अब चलो, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ई में क्या करना है? बेसिकली हम लोग ऐड कर देंगे हाउस को परचेज करने में जो लगा पैसा 6,65,700, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे उसको रिपेयर करने में कितना खर्च हुआ। रिपेयर करने में भाई 2,975 खर्च हुआ। दोनों को जब ऐड कर लेंगे एक साथ तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट What is the total amount that has been given by Raman? क्या रमन के द्वारा पैसा दिया गया? हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है सबको? चलो ई बनाओ, ई बना के दिखाओ तो जल्दी से सब लोग, सारे लोग ई बनाओ। क्वेश्चन नंबर वन का ई सॉल्व करो, सॉल्व करो। और ये सब सारा चीज फेयर कॉपी में करना बेटा, ठीक है?
फेयर कॉपी में करोगे सारे लोग? क्वेश्चन नंबर वन का ई सॉल्व करो। प्रियांशु अनम्यूट करके बताओ, दिखाओ कॉपी। प्रियांशु कॉपी दिखाओ, प्रियांशु राज कॉपी दिखाओ, कहां पर ई बना है? क्वेश्चन नंबर वन का ई कहां पे दिखा? शो मी योर नोटबुक। प्रियांशु राज कॉपी दिखाओ स्क्रीन पर, कैमरा के सामने कॉपी करो, कैमरा के सामने कॉपी करो बेटा, दिखाओ कहां पे लिख रहे हो, ये लिखे क्वेश्चन नंबर वन का ही बनाए। अंशिका, अंशिका नोटबुक दिखाओ, कैमरा के सामने करो, वन का ही बनाई, जल्दी सॉल्व करो सारे लोग। विवान श्रद्धा तुम बनाई, श्रद्धा जल्दी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर वन का ई जब सॉल्व हो जाए तो मुझे मैसेज करना, जल्दी फिनिश करो। स्टेटमेंट के साथ बनाना है वर्कशीट फोर, वर्कशीट फोर का सारा क्वेश्चन तुम स्टेटमेंट लिखकर बनाओगे, बिकॉज इट इज वर्ड प्रॉब्लम ना। सॉल्व करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। होमवर्क है, होमवर्क तुम लोग नोट कर लोगे, तुम्हारा होमवर्क है तो सॉल्व वर्कशीट टू थ्री एंड फोर और चैप्टर टू इन फेयर नोटबुक। ये सारा चीज फेयर नोटबुक में कर लोगे इसको कंप्लीट, वर्कशीट फोर तक कंप्लीट कर लोगे ठीक है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसेक्शन ऑफ ऑल
फाइव डिजिट नंबर एंड सिक्स डिजिट नंबर, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक बच्चों किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में? बच्चों किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? और एज आई टोल्ड यू दैट पीटी वन इज गोइंग टू कम फ्रॉम 6th of May, सो यू आर रिवाइजिंग द सिलेबस फॉर योर एग्जाम इज चैप्टर वन, सो रिवाइज इट। चैप्टर वन तुम लोग अच्छे से रिवाइज करोगे, चैप्टर वन एग्जाम में आ रहा है, चैप्टर वन तुम लोग अच्छे से रिवाइज करोगे। कहीं भी कोई डाउट आता है क्लास में पूछो, या ऑफलाइन में तो पूछो नहीं, ऑनलाइन में भी अगर होता है तो पूछो। क्लियर है ना सबको? चलो बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबट्रैक्शन के बारे में, ठीक है बच्चों? क्लियर है ना सबको?